हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में पड़े हुए कपड़ों को, वेस्ट कपड़े होते हैं ना, जो उनको आप कैसे यूज़ कर सकती हैं, जो स्कूल की ड्रेसेस होती हैं जो छोटी हो जाती हैं, बच्चे उनको पहनते नहीं हैं, तो उनका कैसे यूज़ करना है आपको यही बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये वेस्ट शर्ट है, तो मैंने ये शर्ट ली है, तो आप इस प्रकार से कोई भी शर्ट ले सकते हैं। तो मैं इनका यूज़ करना बताऊँगी कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये एक शर्ट ली है, ये देखिए, और ये एक रिंग ली है, तो इसके हिसाब से मुझे इसका सर्कल कट करना है। ये देखिए, इसमें पहले मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद इसका सर्कल कट करूंगी। ये देखिए, मैंने इसका कट कर लिया है, और इसी प्रकार हमें और भी सर्कल कट करने हैं, तो मैं इसी से ही सारे सर्कल कट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने ये एक कपड़ा बिछाया है, तो इसी प्रकार मैं तीन चार लेयर बिछाऊंगी और उसके बाद मैं इसको सर्कल को रखूंगी और उसके बाद मैं इसको कट करूंगी, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पास एक साथ काफ़ी सारे सर्कल कट हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने ये चार पीस रख दिए हैं, उसके ऊपर मैं ये सर्कल रखूंगी और इसको हम पिन से अटैच कर देंगे, जिससे कि ये इधर उधर खिसके नहीं। उसके बाद हम इसको कैंची से कट कर देंगे। ये देखिए, हमने ये सारे सर्कल कट कर दिए हैं। ये देखिए, मैं इसको पिन को निकालती हूँ। ये देखिए, हमने एक साथ काफ़ी सारे सर्कल कट कर लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको एक पीस से फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, हमें इतनी दूरी पर, ये देखिए इतनी दूरी पर हमें इसको स्टिच करना है। तो सुई लेंगे और इसको हम बड़ा बड़ा स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो इसी प्रकार हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है, और ये देखिए, मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस प्रकार हमें इसको ऐसे चारों तरफ से इसको स्टिच करना है। देखिए, उसके बाद हम इसको एक धागा पकड़ कर इसको खींचेंगे। देखिए, और जो दूसरा साइड का धागा है उसको हम पकड़ के रखेंगे और उन दोनों धागे को हम बांध देंगे। देखिए, इसको हम मजबूती से बांध देंगे। देखिए, अब ये जो फ्लावर है इसको हम ऐसे सेट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसकी शेप फ्लावर शेप में बन जाएगी, और ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको बैक साइड से स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार हमें सारे फ्लावर बनाने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट फ्लावर बनाया है। इसी प्रकार मैं आपको सारे फ्लावर बना के आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे बनाना है। तो ये देखिए, हमने ये सारे फ्लावर बना लिए हैं। अब मैं आपको इसको जोड़ना बताऊँगी कि इसको हमें कैसे जोड़ना है। तो ये देखिए, हम दो फ्लावर लेंगे और इनको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। हमें सिर्फ एक ही जगह पर स्टिच करना है, एक ही जगह पर हमें दो तीन टांके लगाने हैं। ये
ये देखिए, इसे हम इसको मजबूती से स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने ये जोड़ दिया है। इसी प्रकार हमें दूसरा भी ऐड करना है इसमें। देखिए जो ये वाली सिलाई है इसके ऊपर ही करनी है। देखिए तो इसको भी हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए, तो हमें सारे फ्लावर इसी प्रकार से ही इसमें जोड़ने हैं। तो मैं इस प्रकार इसमें 10 फ्लावर जोड़ दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें 10 फ्लावर जोड़ दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए, तो इसी प्रकार हमें सारे फ्लावर जोड़ने हैं। तो मैं इसी प्रकार इस फ्लावर को भी जोड़ूंगी। ये देखिए, जैसे मैंने ये जोड़ा है वैसे हम इनको भी जोड़ेंगे। ये देखिए, ये वाइट फ्लावर हैं, इनको भी हम इसी प्रकार जोड़ देंगे। ये देखिए, जैसे ये है इसी प्रकार हमें सारे फ्लावरों को जोड़ना है। तो मैं आपको इसको जोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये सारे फ्लावर जोड़ दिए हैं। ये देखिए, तो अब मैं आपको इसको सेट करना बताती हूँ कि इसको हम कैसे सेट करना है, उसके बाद हम इसकी स्टिच कैसे करनी है। तो ये देखिए, इसके साथ में हमें इसकी स्टिच करनी है। देखिए ऐसे हम इसको ऐसे सेट कर देंगे और उसके बाद हम वाइट फ्लावर भी हम ऐसे सेट कर देंगे। देखिए उसके बाद हमें इसकी स्टिच करनी है। तो मैं आपको एक फ्लावर जोड़ के बताती हूँ, उसी प्रकार आप सारे फ्लावर को जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार हम सारे फ्लावर को जोड़ देंगे और इस धागे को हमें कट नहीं करना, इसी एक ही धागे से हमें सारे फ्लावर को जोड़ना है। ये देखिए, हमने ये फ्लावर जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार हमें सारी लाइन को जोड़ना है और उसके बाद हमें वाइट लाइन को भी जोड़ना है। ये देखिए, इस प्रकार मैं इसको आपको जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ये जोड़ दिया है। ये देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें मैंने 10 फ्लावर जोड़े हैं और उसके बाद दूसरी लाइन में मैंने ये 9 फ्लावर जोड़े हैं। ये देखिए, ये वाइट फ्लावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने वाइट फ्लावर 7 फ्लावर जोड़े हैं। तो इस प्रकार हमें इसकी एक लाइन सी बनानी है। तो इसी प्रकार मुझे दूसरा भी जोड़ना है। तो ये देखिए, मैंने ये दूसरी साइड का भी जोड़ लिया है। ये देखिए, तो इसमें मैंने 9 फ्लावर जोड़े हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए, तो इससे कम मैंने ये वाले फ्लावर जोड़े हैं, एक कम किया है इसमें, और जो वाइट है इसमें मैंने 2 कम किए। तो इस प्रकार मुझे ये सारे फ्लावर जोड़ने हैं। तो ये देखिए, मैंने ये जोड़ लिए हैं और उसके बाद मैं इनको ऐसे सेट करूँगी। देखिए, इसको ब्लू के साथ में ब्लू को ही ऐड करना है। देखिए, तो इसी प्रकार हमें दूसरी साइड का भी ऐसे ही बनाना है। तो ये देखिए, मैंने दूसरी साइड का भी बना लिया है। ये देखिए, इसको हमें ऐसे ऐड करना है। ये देखिए, तो ये जो सेंटर में जो खाली जगह है उसमें भी हम फ्लावर ऐड कर देंगे। देखिए, हम इसमें कोई भी कलर लगा सकते हैं इसमें, या फिर डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। हम कोई भी अपनी मनपसंद कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और किसी भी शेप में हम इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इसमें ब्लू कलर लगाऊंगी और इसके बाद में स्टिच कर दूंगी। तो मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो ये देखिए, मैंने इसको स्टिच कर दिया है और ये देखिए बहुत ही सुंदर डोटमेट बना है। अब मैं इसकी बैक साइड में एक कपड़ा लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये शर्ट का कपड़ा है और मैंने इन टुकड़ों को जोड़ दिया है। ये देखिए, तो इसकी बराबर की साइज बना ली है। तो उसके बाद मैं इसको ऐसे इसके साथ में इसको जोड़ूंगी। तो ये देखिए, इसके ऊपर फिर मैं डोरमेट बिछाऊंगी और उसके बाद जो साइड की जो किनारी है उसको मैं 1.5 या 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा कट कर दूंगी।
देखिए मैंने ये कट कर दिया है। और हमें क्या करनी है, जो साइड की जो किनारी होती है उसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। देखिए हम चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिच करेंगे। तो ये जो फ्लावर है उसकी जो साइड की किनारी है इसी को ही हमें स्टिच करना है। ये देखिए, इस प्रकार हम चारों तरफ से सारी किनारी को स्टिच कर देंगे। तो मैं आपको ये सारी किनारी को स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए हमने ये सारी किनारी स्टिच कर ली है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार आप वेस्ट कपड़ों से आप बहुत ही सुंदर सुंदर डोरमेट बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और आपका जो टाइम है वो भी यूज़ हो जाएगा और आपके घर में एक बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।